जैसा कि सैयद इब्राहिम ने बोला था कि आमिर की ज़िंदगी सिर्फ पैसा है, आमिर पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि पहले महीने में 23 से 24 हज़ार रुपये आया हुआ था, दूसरे मंथ करीब 12 हज़ार रुपये आया था। आप लोग देख लीजिएगा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 36 हज़ार रुपये आया था। ये पैसा किसको बुरा लगता है? किसी को बुरा नहीं लगता ना। अगर मेरी ज़िंदगी पैसा होती तो मैं YouTube से पैसा कमाता, लोगों की बुराई करके, और जो भी मैंने बोला सच बोला, ठीक है। हाथ पैर को भरोसा होना चाहिए, पैसा लोग कमा सकते हैं। तो मैं, आप लोग ने देखा होगा जब सैयद इब्राहिम ने ये चीज़ बोली थी अपने चैनल पे कि आमिर की ज़िंदगी सिर्फ पैसा है, आमिर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, पैसा हर चीज़ नहीं होता है। अब आप ये बताइए, 24 हज़ार रुपये आया एक महीने में, दूसरे महीने में 12 हज़ार रुपये आया। 12 हज़ार क्यों आया? मैंने ब्लॉग नहीं डाला इसलिए 12 हज़ार आया। अगर मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालता रहता तो 23 से 24 हज़ार रुपये आता रहता। अब ये बताइए, 23 से 24 हज़ार रुपये किसको बुरा लगता है महीने में? आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी पैसा होती ना, तो आप समझ सकते हो, जिनकी ज़िंदगी पैसा है वो लोग पैसे के लिए सोचें। और मैं अभी तक इंडिया में रहा हूँ। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अब मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ, और ये रहा मेरा पासपोर्ट। यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए मुझे कोई शौक नहीं है। रियल में आखिरी ब्लॉग है, अब कभी ज़िंदगी में मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, और मेरी ज़िंदगी का लास्ट और आखिरी ब्लॉग है। और मैंने ये जो बंद कर दिया, उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेरी बड़ी बहन है रुकैया, उसने मुझसे कहा कि आमिर ऐसा ऐसा ये सब मत डालो। मैंने बताया उसको कि बाजी ऐसा ऐसा है, बाजी ने कहा जो भी है सब कुछ ठीक है, अब तुम मत आज के बाद से कोई ऐसा ब्लॉग डालो। मैंने कहा ठीक है, नहीं डालूँगा मैं। तो मैं भाई 12-15 हज़ार आदमी यूँ ही कमा लेता है, 25 हज़ार यहाँ से 40 हज़ार रुपये आ रहा है। अब मैं 40 से 50 हज़ार कमाने के लिए इंडिया से बाहर विदेश जा रहा हूँ, क्यों जाऊँ? 22 महीने का मेरा एग्रीमेंट है, मैं चाहूँ तो इंडिया में ही कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं किसी को गिरा के नहीं कमाना चाहता। और जो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बोला वो सच है, और सच मैंने बोला है। आप लोग यकीन करिए और नहीं करिए। और ज़िंदगी में कभी दोबारा YouTube चैनल पे आ जाऊं तो आप लोग कहना कि क्या बोल रहे थे, ये सब झूठा है। मैंने मेरी ज़िंदगी का लास्ट और आखिरी है आज के बाद से ये चेहरा अब आप लोगों के सामने कभी नहीं आएगा। आमिर जहांगीर ने YouTube को अलविदा कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, आमिर जहांगीर ने कल रात में लेट ये व्लॉग डाला है, जिसमें उसने ये दावा किया है कि वो आज के बाद YouTube पे कभी नहीं दिखेगा, वो अपना चैनल ही डिलीट करने वाला है। जो आमिर जहांगीर को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूँ, आमिर जहांगीर शोएब इब्राहिम के मामा के बेटे हैं, और इनकी अच्छी खासी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी कुछ 5-6 महीने पहले। तो ये शोएब इब्राहिम के अपोजिट में व्लॉग्स डालता था, बट अभी आमिर के कहने के हिसाब से उसकी बहन ने उसे ये सब करने से रोका है, और वो आज के बाद YouTube पे कोई भी व्लॉग नहीं डालेगा। आमिर के चैनल पे करीबन 4000 सब्सक्राइबर्स हैं। व्लॉग में उसने सब्सक्राइबर्स को अनसब्सक्राइब करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया है।